कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, आज फिर मिल रहे हैं। दोस्तों हम सभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का टॉपिक कर रहे हैं, समय वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल्स और शेयर्स भी इसको कहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आप सभी काफी सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं और ये सभी कंसेप्ट आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को आज ग्रेट मॉर्निंग, मैं सभी को अपना नमस्कार कर रहा हूं और आप सभी के लिए मैं सुप्रभात बोल रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो शुरू हो रहा है दोस्तों, लेक्चर 6। और पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की और आपको बताने की कोशिश की कि गुडविल क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के मेथड्स क्या हैं, गुडविल के मेथड्स क्या हैं, गुडविल का मतलब रेपुटेशन क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं इन सभी चीजों को। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान की गंगा थोड़ी सी और आगे लेके चलने वाला हूँ। कहते हैं जी ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बांटो उतना ही बढ़ जाता है। विद्या एक धन ही ऐसा है जो चोरी नहीं हो सकता। विद्या ददाति विनयम्, विद्या से हर चीज मिलती है इस दुनिया की। तो विद्या का एक धन जो कभी चोरी नहीं हो सकता है, हम उसी धन की बातें करेंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं और चैप्टर का नाम है लिख दूं दोबारा से। चैप्टर का नाम है जी वैल्यूएशन। हम दो चीजों की वैल्यूएशन करेंगे, एक इनटेंजिबल्स की, और इनटेंजिबल्स में हम दोस्तों गुडविल की वैल्यूएशन करने वाले हैं और दूसरा हम शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे। तो एक तो गुडविल इनटेंजिबल और एक शेयर्स, दो मेथड्स की हमने, दो चीजों की हमने वैल्यूएशन करनी है। तो चलिए जी हम इन्हीं बातों के साथ आगे चलेंगे। मैंने पिछली क्लास मतलब लेक्चर नंबर 5 में ये बताया था कि गुडविल को वैल्यू करने के 4 तरीके होते हैं। देयर आर फोर मेथड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के 4 तरीके हैं बेटे, और जितने भी मेथड्स हैं इस बात को समझ लीजिए, ये सभी के सभी मेथड्स फ्यूचर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से रिलेट करते हैं। बेटे हम इन सभी में क्या कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, FMP। तो आप देखिए जी, पहला मेथड जो मैंने बताया था उसका नाम था, जो पिछली क्लास में बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कौन सा मेथड कहाँ लगेगा वो धीरे धीरे हमें समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने पहला मेथड बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड हम क्या करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस से गुणा कर देते हैं। कि हम ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या है, मैं ये बताऊंगा कि अगर यही गुडविल आप खुद मेंटेन करते तो आपको कितना समय लग जाता इसी लेवल पे आने के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर यही लेवल ऑफ गुडविल आप खुद सेल्फ जनरेट करते तो आपको कितना समय लग जाता इसी लेवल पे आने के लिए, इसी का नाम है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड 1 है, फिर बेटे मेथड नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड। वो भी देखेंगे कौन सा मेथड कहाँ लगाना, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दूसरा मेथड है सुपर
प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बेटे फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। बेटे दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब सवाल आता है कि सुपर प्रॉफिट है क्या? आपने सुना होगा सुपर प्रॉफिट, सुपर का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट, सुपर टैक्स, एक्सेस टैक्स। कई बार गवर्नमेंट एक्सेस टैक्स चार्ज कर देती है, कई बार गवर्नमेंट एक्सेस चीजें ले लेती है। तो मैं कहता हूं सुपर का मतलब है नॉर्मल से ज्यादा। सुपर अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो बेटे बेटे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बेटे फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर एक नॉर्मल इंसान इतने रुपए की कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए और पानी पूरी का काम शुरू करे तो कितना नॉर्मली उसमें कमा सकता है, नॉर्मल कमाई कितनी कर सकता है। नॉर्मल 10 लाख लगाए, नॉर्मली अगर हम पैसे लगाए इस बिजनेस में तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज इतने पैसे कमा सकते हैं, नॉर्मली हर कोई कमा लेगा। तो बेटे उसी का तो नाम है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स। नॉर्मल का मतलब है एक बच्चा सीएस कर रहा है तो हम मानते हैं कि भाई 4 साल में तो हर बच्चा नॉर्मली कर ही लेगा। हाँ अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो 3 साल में कर लेगा और डफर है तो 6-7 साल में करेगा। तो बेटे मैं कह रहा हूं नॉर्मली एक बच्चा सीएस कितने इयर्स में कर लेता है उसी का तो नाम है नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू इनटू नॉर्मल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय। आराम से बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो ही जो चीज आती है उसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि भाई नॉर्मली कितना कमाते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या है बेटे, क्योंकि मुझे देखने एक्चुअल प्रॉफिट्स हम कितने कमा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने कमा सकते हैं। तो बेटे इसका नाम है फ्यूचर 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 मेंटेनेबल फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, FMAP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। आराम से बेटे आराम से बेटे ये प्रॉफिट्स का नाम है सुपर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब बेटे फ्यूचर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सब बताया हुआ है पिछले लेक्चर नंबर 5 में, मैं यही तो डिस्कस किया था कि वो 9 स्टेप्स थे, टेक प्रॉफिट्स फॉर पास्ट ईयर, इग्नोर द एबनॉर्मल ईयर्स, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। बेटे वही सारे स्टेप्स हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉसेस वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब कौन सा मेथड कब लगाएंगे वो हम देखेंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दें। मेथड नंबर थ्री बेटे मेथड थ्री का नाम है एन्यूटी मेथड, मेथड नंबर थ्री एन्यूटी मेथड। और बेटे एन्यूटी मेथड कैसे निकालते हैं अभी समझाना है, फिर भी बताऊंगा। फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज
फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू एन्युटी टेबल, इनटू एन्युटी टेबल वैल्यूज। बेटे ये तरीका है एन्युटी मेथड का। फ्यूचर मेंटेन इन एन्युटी टेबल वैल्यूज, अब ये क्या होती है वो देखेंगे। बेटे चार मेथड्स हैं और मेथड नंबर फोर है कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड फोर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं और सुपर प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देते हैं, वो हम देखेंगे। तो बेटे चार तरीके हैं किसी भी चीज को निकाल लेंगे, गुडविल को निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया गया तो बेटे बहुत सिंपल है, अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद पता चलेगा मैन्युटी मेथड कब लगाना है, कैपिटलाइजेशन कब लगाना है, सुपर प्रॉफिट कब लगाना है। अगर कुछ भी नहीं किया ना तो एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 19 करा दिया था जी लास्ट क्लास में, मुझे याद है मैंने 19 नंबर करा दिया था। मैं आज की क्लास में थोड़ा सा बता दूं, 20 नंबर कराऊंगा, 21 कराऊंगा, 22 कराऊंगा, 23 नंबर कराऊंगा, 24 तो इजी है, 25 और 26। ये बेटे 4 और 2 6 क्वेश्चंस आज की क्लास में गुडविल के होने वाले, यकीन मानिए जब ये 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपकी काफी हद तक गुडविल ही हो जाएगी और ये चैप्टर हमारा 90% आज हो जाएगा। फिर जो मेरे को 2-3 बातें शेयर्स की बतानी है और एक आध बात और करनी है, एक आध क्लास में खत्म। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को खोल लें अपने सामने। मैंने खोल दिया सर, 2 बार आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20, 2 बार आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20। द एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, अंडरलाइन कर दीजिए आफ्टर एडजस्टमेंट, इसका मतलब एडजस्टेबल प्रॉफिट्स दे दिए। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 था पास्ट ईयर प्रॉफिट्स वो ले लिए, स्टेप नंबर 2 था इग्नोर अबनॉर्मल लॉस वो ले लिया, स्टेप नंबर 3 था इग्नोर अबनॉर्मल गेन वो ले लिया, स्टेप नंबर 4 था कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस का इफेक्ट लेना है वो ले लिया, फिर स्टेप नंबर 5 था डेप्रिसिएशन ले ली, स्टेप नंबर 6 था नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ले लिया, स्टेप नंबर 7 था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह ले लिया, स्टेप नंबर 8 था स्टॉक की वैल्यूएशन ले ली, स्टेप नंबर 9 था एवरेज ले लिया, और उसके बाद आएगा बेटे एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट्स। तो एग्जामिनर कहता है मैंने वो सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, वो सभी स्टेप्स मैंने फॉलो कर दिए हैं, तो इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 514,000 रुपए का बचता है। ठीक है जी, तो द एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट इज रुपीज 514,000। द प्रॉफिट इंक्लूड्स, वो कहते हैं जो ऊपर का प्रॉफिट है उसमें 8% की नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनकम है वो इंक्लूडेड है। The cost of these investments is rupees 1,98,200 और आपने ये खरीदी है 1,98,200। बेटे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी है, बेटे फेस वैल्यू ये भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्वेश्चन कहता है जी फेस वैल्यू 2 लाख रुपए की है, चेक कर लीजिए फेस वैल्यू इन इन्वेस्टमेंट्स की 2 लाख रुपीज है, कॉस्ट 1,98,200 है, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड इन फ्यूचर, मतलब 7,000 के खर्चे पहले होते थे अब नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं।
तो ये आइटम हम एवरेज की बात लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18,98,200। अज्यूमिंग 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, अंडरलाइन कर दीजिए सुपर प्रॉफिट। बेटा यहां पर सुपर प्रॉफिट का मेथड का नाम दिया है, तो फिर हम सुपर प्रॉफिट मेथड ही फॉलो करेंगे, ठीक है जी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लें और करके देखें कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। आइए दोस्तों 20 पहली बात, इस क्वेश्चन में मेथड दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ गुडविल, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बेटा थोड़ी जगह छोड़ देंगे, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला पता ही है। तो बेटा मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, ये फॉर्मूला खुद बताएगा आगे क्या करना है। तो मैंने लिखा जी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है जी। जगह छोड़ दीजिए, फिर लिखिए जी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बेटे फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, खुद फॉर्मूला बताएगा मैं क्या करता है, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए बेटे। बेटे वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे बेटे इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से बेटे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज या कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, मैं तो कहता हूं एवरेज, यहां लिखिए ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटे एक चीज अभी समझाऊंगा कि आप अभी समझाता हूं, पहले आप लिख लीजिए ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो बेटे 10% दिया ही हुआ है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी की गुडविल खरीदते हैं, मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति ने 15 लाख रुपए लगाए हुए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, पूंजी लगाई हुई है 15 लाख, जिसमें से 10 लाख तो बिजनेस में लगाए हुए, 10 लाख रुपए तो बिजनेस में लगाए हुए और 5 लाख रुपए अदर देन बिजनेस में लगाए, मतलब शेयर्स खरीदे हुए, डिबेंचर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, मोटा मोटी आपने समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये बिजनेस में पैसा नहीं लगा, आपने एक्स्ट्रा पैसे थे लगा दिए, टोटल 15 लाख ही है। अब मैं जब प्रॉफिट्स देखूंगा एज अ परचेजर ऑफ गुडविल, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड वो वाली देखूंगा जो मेन धंधे में लगी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें लेनी होती है ऑपरेटिंग, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चाहिए, क्योंकि हम गुडविल तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की वजह से देंगे, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे,
ऑपरेटिंग रेट ऑफ रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कुछ हिस्सा बिजनेस में नया लगा हो। बेटे हमें वो नहीं लेना, क्योंकि वो तो हम भी कमा सकते हैं, बेटे वो तो हम भी कमा सकते हैं, वो तो हम भी कमा सकते हैं। इसलिए आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेशन में लगी हो, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटे ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हम कभी भी यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे तो बेटे इसका जो और नाम भी होना चाहिए, ऑपरेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। बेटे नाम होना चाहिए ऑपरेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए सब कुछ ही ऑपरेटिंग है। बेटे जब आप गुडविल खरीदते हो तो आप गुडविल खरीदते समय उसकी ऑपरेशन में ध्यान देते हो, ऑपरेटिंग की वजह से तो गुडविल होती है बेटे, नॉन ऑपरेटिंग तो आप भी कर सकते हो। तो अब मुझे यहां पर देखना है कि ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। बेटे इसमें इसको निकालने के लिए मैं एक बात बता दूं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया, रटना नहीं है बेटे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बेटे नॉन ट्रेड तो हमने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में तो की नहीं हुई। तो बेटे 10% इनटू, चेक करिए जी, 18,98,200 माइनस 1,98,200, तो 10% मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेटे 17 लाख का, तो ये आ गया बेटे 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपीज आपके सामने आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, 1,70,000 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गया बेटे, ठीक है जी। 1,70,000 मैंने निकाल लिया, अब मैं इसको यहां लिख दूंगा। अब मैं देख रहा हूं कि नॉर्मली सब लोग 1,70,000 तो कमा ही लेते हैं, और जिसकी मैं गुडविल खरीदना चाहता हूं, अगर मैं उसकी गुडविल खरीद लूं तो मुझे भविष्य में कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स। तो मैं वो वाली फिगर निकालूंगा, फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो आइए इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बना दें और हम लिखें स्टेटमेंट शोइंग, या वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट्स। तो बेटे इसमें आपको एडजस्टेबल प्रॉफिट तक तो दिया हुआ है, मतलब स्टेप नंबर 1 से लेकर 8 तक तो दे ही दिया है बेटे, 1 से 8 तक तो दे ही दिया है। तो आपको आगे चलना है बेटे, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 8 तक दिया हुआ है। चलिए तो यहां मैं लिख रहा हूं एडजस्टेबल एवरेज प्रॉफिट्स। बेटे एवरेज एडजस्टेबल प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं 5,14,000, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि इस प्रॉफिट्स में, इस प्रॉफिट के अंदर कुछ इनकम एडेड है जो नॉन ट्रेड है, तो मैं लिख रहा हूं लेस इंटरेस्ट ओन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ओन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बेटे वो कह रहा है इसमें हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था और वो क्रेडिटेड है, और एक बात मैं बता दूं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है बेटे। तो 0.08 इनटू
2 लाख चेक कर लीजिए, 2 लाख का 8%, 16,000 आ गए बेटे, माइनस करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडेड है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹7,000 आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यूड इन फ्यूचर, कुछ खर्चे थे जो पहले होते थे अब नहीं होंगे। तो बेटे मेरा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना फ्यूचर में, तो मुझे तो फ्यूचर के लिए सोचना है, तो मैं लिख रहा हूं प्लस प्लस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस विच वर इन पास्ट बट नॉट इन फ्यूचर, जो पास्ट में तो थे फ्यूचर में नहीं होंगे। बेटे साथ है ना, बेटे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा आराम से बेटे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, देख लीजिए 5,14,000 माइनस 16,000 प्लस 7,000, ये आ गया बेटे 5,05,000। मैं रुक गया हूं, पांच लाख 5,000 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स 30% है बेटे 1,51,500, ये आ गया बेटे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ये आ गया बेटे 3,53,500। आराम से बेटे फ्यूचर मेंटेन लिख लीजिए बेटे, आराम से लिख लीजिए, बेटे ये आ गया